क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले खुलासे के बाद हर कोई IBN 7 की तारीफ कर रहा है, जिस तरह से चैनल ने ये कबूलनामा आतंकी का सामने रखा। बीजेपी ने कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करता रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से बात की हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, IBN 7 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो आया, अब्दुल कयूम नाम का आतंकवादी है, वो कन्फेस कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने मंसेरा ले आकर उन लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग दी गई। देखिए, IBN 7 जो ये दिखा रहा है बड़ा कदम है और पूरी तरह पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाला है। अब्दुल कयूम के वीडियो में वो सब बातें वो कह रहा है जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी डोजियर के तौर पर पाकिस्तान को दी है कि वो इसी काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान के नेता चाहे शेरवानी पहन लें, आर्मी वर्दी पहन लें, या मौलाना का भेस वहाँ के जो हाफिज सईद जैसे लोग मौलवी मौलाना बन के तकरीर करें, सबकी सोच एक है, भारत की दुश्मनी पे वो आमादा है। और इसी तरह आतंक की फैक्ट्री बन गया है पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान कहना भी बेकार लगता है, आतंकिस्तान ही कहना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक है। मैं तो पाकिस्तान को आतंकिस्तान ही कह के बुलाता हूँ, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। वो टेररिज्म के अलावा कुछ सोचते नहीं, उनके ख्वाब में भी टेररिज्म है। एक चीज़ और सवाल उठता है, आज प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे, उरी की घटना के बाद पहली बार, आपको लगता है कि पाकिस्तान को बेनकाबा करना और मुंह तोड़ जवाब देना आज उम्मीद की जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो मन से बोलते हैं, लोगों की मन की बात जानते हैं और अपने मन में उस बात को रखते हैं। प्रधानमंत्री दिल से बोलते हैं, दिल की बात बिला झिझक वो ज़बान पे लाते हैं। और उम्मीद कीजिए, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि जो देश के मन में होता है वो हमारे प्रधानमंत्री के मन में भी होता है।